रमन यानी रमन भल्ला संग उत्तरन की इचकी उर्फ टाइन की जानवी। जी हाँ, करण पटेल और टीना दत्ता एक साथ पहुंच गए हैं एआर मिसेज इंडिया के मंच पर। नागपुर और पुणे के बाद अब एआर मिसेज इंडिया के ऑडिशंस का काफिला पहुंच गया है दिल्ली, जहां पर दिल्ली की गृहणियां दिखा रही हैं अपना टैलेंट, दिखा रही हैं फैशन का जलवा। दे रही हैं सितारों के सवालों का जवाब। दिल्ली की गृहणियों में कितना है दम, ये जानने के लिए एआर मिसेज इंडिया और सास बहु बेटिया का काफिला आज पहुंच गया है दिल्ली में। और दिल्ली में एआर मिसेज इंडिया के होस्ट आलोक नरूला संग है दिल्ली की सास बहुएं और बेटियां, जो एक साथ जमा हुई हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। टीना दत्ता और करण पटेल के साथ साथ यहाँ पर है निवेदिता बासु भी और कुछ और देश के जाने पहचाने लोग, जिन्होंने यहाँ पर इन मिसेज इंडिया के टैलेंट का जायजा लिया। टीना दत्ता जहाँ सज रही हैं शाम की खास तैयारी के लिए, वहीं करण पटेल बिल्कुल अपने करण रमन भल्ला वाले मूड और अंदाज में है। दिल्ली वासियों ने करण के साथ फोटो खिंचवाई तो टीना ने गृहणियों को चेयर अप किया। तो क्या है एआर मिसेज इंडिया में दिल्ली के ऑडिशंस का रंग, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं ताज विवांता, जहाँ पर आगाज हो गया है एआर मिस इंडिया के दिल्ली ऑडिशंस का। सबसे पहले चलते हैं टीना दत्ता के मेकअप रूम में, जहाँ वो सज रही हैं इस खास शाम के लिए। भाई उनका लुक उनके कैरेक्टर इचकी और जाह्नवी से काफी अलग है, आई मेकअप खास है और साथ साथ उनकी स्टाइलिंग बहुत ही अलग है। मैं आई हूँ यहाँ पे दिल्ली में, ए आर मिसेज इंडिया का कंटेस्ट चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है यहाँ पे, एंड आई हैव कम टू जज द इवेंट। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड इवेंट पे जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, एक्टर्स को तैयार होना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, एंड जो हम लोग को सुंदर दिखाते हैं बिहाइंड द कैमरा, जो इतनी मेहनत करते हैं टू मेक अस लुक प्रिटी, एकदम हेयर जो पिक्चर परफेक्ट आप देखते हैं, आई मेकअप, लिप मेकअप, जो सारा चीज़ इतना पिक्चर परफेक्ट जो करते हैं, एंड एवरी टाइम आई कम टू दिल्ली हु डज इट फॉर मी, इट्स नन अदर देन माई फेवरेट आगरिका कालरा, एंड शी डज इट फॉर मी एवरी टाइम, एंड शी डज अ फैंटास्टिक जॉब। सो व्हेन आई कम टू दिल्ली, यू नो आई ऑलवेज हैव टू मेंशन कि मेरे को हमेशा बोलना पड़ेगा कि मेरे को सिर्फ आगरिका ही चाहिए, आगरिका कम दिस साइड, दे कांट सी यू। So I am like, you know, if the client is adamant कि नहीं हमारे पास अपने हेयर एंड मेकअप वाले हैं, but I am like no, आगरी का ही करने वाली हूँ, मेरा मेकअप आगरी का ही हेयर करने वाली, मतलब I'm so used to her. So you know, and the best part about her is दिल्ली में वो कितना भी बिजी रहे, she's got her own salon and everything, वो कितना भी बिजी रहे, she'll make it a point कि वो सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करेंगे मेरा मेकअप करने के लिए, that's the best part and I respect her for that. सीधे चलते हैं जहाँ पे ऑडिशन चल रहा है ताज विवांता में, so see you all there and thank you Agrika. Thank you ma'am. Bye. तो फाइनली टीना दत्ता हो गई है रेडी और इस ग्रीन ड्रेस में अब तैयार है एआर मिसेज इंडिया के टैलेंट को जज करने के लिए। एन आउटफिट विच इज बाय अ कैलकटा डिजाइनर होनी, मेरे होम टाउन का ही, द ब्रांड इज कॉल्ड काली घाटा, एंड उसकी मैंने एक आउटफिट पहना है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ डिफरेंट गाउन सॉर्ट ऑफ ट्राई किया, बट यूजुअली व्हेन आई कम फॉर इवेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट आई यूजुअली प्रेफर इंडियन और इंडो वेस्टर्न, सो टुडे दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक जेल बैक हेयर भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इवेंट में, सो एवरीथिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस टाइम, सो या समथिंग डिफरेंट। वैसे तैयार तो हो रही है निवेदिता बासु भी, जो इस इंडियन अटायर में मिसेज इंडिया से मिलने वाली हैं। आई थिंक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं एंड हमारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी इन टू मिनट्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग रोल मॉडल हैं उनके लिए, तो थोड़ा सा ड्रेस्ड अप होना पड़ेगा, बिकॉज दे आर एस्पायरिंग टू बिकम लाइक अस, मैरिड वुमेन, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, फिएस्टी। तो किस तरह का लुक आप ले रहे हैं? एक्चुअली मैंने थ्रू पहला कदम के वजह से मैंने काफ़ी ट्रेडिशनल मॉडर्न इंडियन लुक लिया है विद दिस अटायर। शो को होस्ट कर रहे हैं आलोक नरूला, जो सभी जूरी मेंबर्स को अपने साथ स्टेज पर ले जाने को तैयार है। निवेदिता बसु इन हर अर्ली एजेस लाइक 18 टू 19 इयर्स, आई कांट इमेजिन, यू नो आलोक बी माय चैपरन थ्रू द इवनिंग, प्लीज लेट्स गो। सो लेट्स गो। अब चलते हैं सीधा मंच पर, क्योंकि वहां पर दिल्ली की सारी गृहणियां पधार चुकी हैं। सो गुड लक टू एवरीवन ऑफ यू। और साथ ही ग्रैंड एंट्री होती है करण पटेल की। जी हाँ, ये है मोहब्बत के रमन भल्ला, आज गृहणियों के दोस्त बनकर आए हैं और इन सभी गृहणियों में से ढूंढेंगे एक लकी मिसेज इंडिया फाइनलिस्ट। बचपन में भी चोरी बनाई होती
Divi, you're completely wrong. We are the stars, but she's the maker. So I think it's a privilege to share the jury with her. And aap sabhi ko wish you all the best. And it takes a lot to handle so much of things together, being a housewife, some are mothers, and yet contesting for a contest like this. I think it takes a lot of courage. सास बहू और बेटिया पहुंचा है दिल्ली में और यहां पर हो रहे हैं एआर मिसेस इंडिया 2019 के ऑडिशंस जिसे जज करने आए हैं सारी फीमेल्स के फेवरेट प्लीज वेलकम करण पटेल. वेल करण, लिटरली जितनी लड़कियां थी वहां, जितने कंटेस्टेंट थे, सबने कहा हम तो सर सिर्फ आपको देखने आए हैं. ये लोगों का प्यार है, उनका बड़प्पन है, तो गिव सो मच लव एंड बस इसीलिए उनका प्यार ही खींच लाया है इसमें. बात होती है मिसेस इंडिया की, सो इट्स अ बिग पेजेंट, राइट? और ब्यूटी पेजेंट की बात होती है तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. सो व्हेन इट कम्स टू एआर मिसेस इंडिया 2019, क्या खास है? सी, आई थिंक एआर मिसेस इंडिया जो है, आशीष राय जो फाउंडर जो है इनके, इन्होंने बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है टू दोज इंट्रोवर्ट वुमेन जिन्हें आमतौर पर यू नो घर के काम काजों से फुर्सत नहीं मिलती या शायद परिवार की वजह से, दबाव की वजह से वो अपना टैलेंट यू नो एक्सप्लोर नहीं कर पाती या शोकेस नहीं कर पाती. तो आई थिंक ये उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चांस है एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक इनिशिएटिव. वेल, आज आपने खुद ऑडिशंस लिए हैं, दिल्ली ऑडिशंस हुए हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को आपने देखा है, उनसे रूबरू हुए हैं, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या खास दिखा उन सब में? सी, ऑडिशन जज करना मतलब इट्स गुड बिकॉज जितने लोग ज्यूरी में थे वो दोस्त हैं. जो होस्ट हैं आलोक नरूला, वो ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. सो इट्स लाइक आप दोस्त सारे मिलके यू नो दे जस्ट हैविंग फन टुगेदर एंड उसी के साथ अगर किसी महिला का भला हो रहा है या उन्हें चांस मिल रहा है तो आई थिंक सोने पे सुहागा है वो. करण, आपसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की चीज़ें आपने नोटिस की है व्हेन इट कम्स टू ऑडिशन, क्योंकि एज आई सेड एवरी फीमेल केम जस्ट टू सी करण पटेल. व्हाट आई नोटिस द मोस्ट इज दैट हर एक जो वहाँ पे लेडी आई थी, शी गेव इट हर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट फुट आगे रखा है, शी गेव इट हर बेस्ट परफॉर्मेंस, शी ट्राइड द लेवल बेस्ट. सो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है एआर मिसेस इंडिया की, कि जो औरतें घर से बाहर निकलने को डरती थी आज वो इस स्टेज तक आ गई हैं, लाइव रैंप वॉक कर रही हैं, अपना टैलेंट शोकेस कर रही हैं. तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन एनीवेज. करण, ये है मोहब्बत के कारण रमन भल्ला इज अ आइडियल पर्सन, आइडियल हस्बैंड फॉर ऑल द फीमेल्स. इशिता, इशिमा ने जितना प्यार और जितना प्यार आपने इशिमा को, इशिता को दिखाया है, आई थिंक हर कोई फीमेल चाहती कि उनका हस्बैंड रमन भल्ला जैसा हो. सो बीइंग अ रमन भल्ला, ये जो जितनी भी फीमेल्स हैं जिन्होंने आके सबने कहा है कि भाई हमारे पति तो साइड में रमन भल्ला इज लाइक, रमन भल्ला का जो कैरेक्टर है, आई एम श्योर मैं भी वैसा ही हूँ, बिकॉज आई वुड नेवर वॉन्ट माई वाइफ और फॉर दैट मैटर एनी लेडी टू फील सप्रेस्ड और फील लेसर देन अ मैन. एंड ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, आई डोंट थिंक वुमेन नीड एम्पावरमेंट, वुमेन आर वे मोर पावरफुल देन मैन, दे ओनली नीड एनकरेजमेंट. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट वुमेन एनकरेजमेंट देन वुमेन एम्पावरमेंट. पावर में बहुत है भैया, कभी बेलन खा के देखना. तो आज जितनी भी ऑडियंस आई थी, स्पेशली जितनी भी फीमेल्स आई थी, आपने उन्हें ऑडिशन किया, उन्हें देखा, सो उन सबको क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे कि व्हाटएवर दे वन और नॉट, वेदर यू विन और नॉट, इस मकाम तक आकर, इस स्टेज पर आकर ये कदम उठाना ही अपने आप में जीत है. आई थिंक यू आर ऑल विनर्स इन योर ओन वेरी स्मॉल और बिग वे. एंड कोई हो ना हो, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले, दे विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. And thank you for encouraging the other ladies to come forward. According to you, what is the definition of when it comes to women empowerment? Everyone is talk about women empowerment hona chahiye, mahilaon ko aage badhna chahiye and all that. So what is your definition for it, Karan? I think baat ye jo women empowerment hai, badhna chahiye, bullshit just talking about it. Karoge to manenge. So I think bahut bakwas kar li women empowerment ke bare mein. अब अगर वाकई वुमन को एम्पावर करना है तो उन्हें वो पावर जो उनके पास है इस्तेमाल करने का मौका दीजिए, उन्हें एनकरेज देम एंड यू प्रोबब्ली नज देम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. जैसे आज हमने एग्जांपल्स देखे बहुत सारे, हर किसी हस्बैंड में रमन भला नजर आया बिकॉज एवरीवन सपोर्टेड. सो आई वाज मोर हैप्पी विद द हस्बैंड्स के अपनी अपनी वाइफ को सपोर्ट करने आए थे वो एंड बच्चे भी साथ आए थे. सो आई थिंक हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव शुरू हो चुका है समाज में एंड दैट इज ओनली गोइंग टू गेट बिगर फ्रॉम हियर. देयर आर सो मेनी फीमेल्स हु वांट टू बी एन एक्टर, स्पेशली टीवी करना चाहती हैं, एक्टिंग की दुनिया में आना चाहती है, बहुत सारा कुछ आपने जैसे देखा, सबका कहना था मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. सो उन सबको आप क्या कहोगे? यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में व्हाई डज अ वुमन हैव टू वेट इतनी जिंदगी के इतने सालों बाद कोई ऐसा मौका आए तब जाके उनके अंदर की जो आशाएं वो बाहर आती. क्यों हम बचपन से क्यों हम लड़कियों को वो नहीं करने देते जो उन्हें करना है? आई थिंक वी शुड एनकरेज देम फ्रॉम द चाइल्डहुड ताकि
यू डोंट नो बट वीमेन आर मच मोर पावरफुल देन व्हाट वी आर. समझ, हमसे ज़्यादा अकलमंद है, हमसे ज़्यादा हिम्मत है उनमें. भैया घर संभालना आसान बात नहीं है, वो घर संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, बाहर काम भी करती हैं. इसके मतलब इतना मल्टीटास्किंग तो शायद कोई इंसान मर्द तो कभी नहीं कर पाया. हमेशा देखा, ऑब्वियसली इट इज़ अ कल्चर. इंडियन वुमेन अपना घर छोड़ के किसी और के घर में आके उसका नाम अपना के शादीशुदा होके, तो किस तरह की डिफरेंसेस आज आपने देखे और किस तरह के डिफरेंसेस एक जब अपना घर छोड़ कर आती है वो आप पे एहसान कर रही है कि बेटा तुम्हारे जंगल को मैं घर बनाने आ रही हूँ, समझे. और हम उसका फायदा उठा, हमें लगता है कि हम बड़े हैं भाई, हम उनको अपने घर बुला रहे हैं. बेटा वो तुम पे एहसान करके तुम्हारे घर आ रही है. सो आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो समझनी चाहिए लोगों को. एंड नारी शक्ति जिंदा बात है भाई, मैं तो क्या बोलूं. व्हाट इज योर आइडियोलॉजी व्हेन इट कम्स टू द सरनेम चेंजिंग, लाइक समबडी, लाइक व्हाट डू यू थिंक, कि क्या हस्बैंड शुड आल्सो कीप देयर सरनेम? सी, वी हैव अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग दिस. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज़ व्हेन अंकिता एंड मी ऑफन टॉक दैट व्हेनेवर वी हैव किड्स, द फर्स्ट किड इज गोना हैव अंकिता'स मिडिल नेम, नॉट माइन. या सो सरनेम मेरा होगा बट मिडिल नेम ही और शी इज गोना यूज अंकिता'स नेम. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई कैन डू इन माय वेरी ऑल स्मॉल वे. Just to prove to the society that a father and mother are equally important for a child. Naam kisi ka bhi lage, pyar aur saath dono ka hona bahut zaruri hai bachche ke liye. Class but not least, Delhi mein hum aaye hain, Mumbai se bahar nikle hain. So Delhi aapko kitna pasand hai aur kitna aap aate rehte hain yahan? Yeah, Delhi mein bahut kam aata hu. Delhi, I think main zindagi mein teesri baar to Delhi aaya hu because I don't get time. But Delhi ke khane ki bahut tareef suni hai. I'm looking forward to some delicious food. काम करते हैं हम, करण को यहीं पे फ्री करते हैं एंड आप जाइए दिल्ली घूमिए खाइए, ठंडी बहुत है यहाँ पे, सो हैव समथिंग गर्मा गर्म. थैंक यू सो मच. अब शुरू करते हैं ऑडिशन का सिलसिला. सबसे पहले हुआ टैलेंट राउंड जहां पर दिल्ली की घृणियों के डांस और सिंगिंग का हुनर दिखाया. इसके बाद था बातचीत का राउंड जहां पर सभी सितारों ने पूछे इन घृणियों से सवाल. So, you have right now Uttaran ki Ichha aur Janvi of Dian. Please welcome Tina Dutta. Thank you so much. Thank you. So, kaisi ho tum Tina? Welcome to Saas, Bahu aur Betiyaan. Yes, I'm absolutely fine and of course, thank you so much. तो यहाँ कहाँ आए हैं हम, आप सबको बता दें कि हम हैं दिल्ली में, मुंबई में नहीं हैं, हम दिल्ली में हैं. और क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ टीना से ही जानते हैं. So this is a great initiative by Mr. Ashish Rai, जिन्होंने ये initiative लिया है. और AR Mrs. India करके इन्होंने जो नया इन्होंने contest खोला है, वह all the married women out there वो enroll कर सकते हैं. उसमें कोई registration fee नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है. And they can showcase their talent and bring their talent on the table. और actually अभी हम लोग अंदर ही थे, me, Karan, Nivedita, Anuj and all them. So actually शादी के बाद ज़िंदगी खत्म हो जाती है, उसके बाद बच्चे पैदा कर लूँ, उसके बाद कुछ होना नहीं होता है करने के लिए. बट यू नो यू हैव सो मच टू डू. दीज ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर, दे आर सो फ्रीकिंग टैलेंटेड. सब में इतनी यू नो दे हैव गॉट दैट थिंग इन देमसेल्फ. दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो दे नो व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ. उनको पता है उन्हें क्या चाहिए आगे ज़िंदगी में, उनको पता है उनको क्या करना है. सब एक एक दो दो बच्चे की माँ है एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यू नो. लाइक टीना, व्हेन इट कम्स टू द ब्यूटी पेजेंट, सो बहुत सारे यू नो सामने की इमेजिनेशन होता है कि इट्स अ ब्यूटी पेजेंट, सो एकदम टॉल यू नो स्मार्ट स्लिम ट्रिम काइंड ऑफ गर्ल्स. बट दीज आर गॉन यू नो, जहाँ पे मतलब एकदम बहुत सुंदर होना चाहिए, वैक्स मॉडल्स जितना जैसा दिखनी होनी चाहिए, स्किन एकदम लाइक मक्खन की तरह होना चाहिए, मैनिक्विंस होना चाहिए, मैनिक्विंस होना चाहिए. आई थिंक दोस डेज आर गॉन यू नो. अभी जो होता है, हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अटायर, द वे यू पुट इट आउट, योर पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सो ओवरऑल पीपल जज यू. तो आज के जो कंटेस्टेंट है कितने खास है और कितना खास है सास बहू और बेटिया के साथ AR प्रेजेंट मिसेस इंडिया 2019? कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत ही प्यारे कंटेस्टेंट्स हैं सारे के सारे. थोड़े से कोई कोई थोड़े डरे हुए हैं बिकॉज दे आर कमिंग ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो. जिंदगी में कभी नहीं आए, दे माइट बी इन देयर 30s, दे माइट बी इन देयर 40s यू नो, एंड पहली बार उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है. सो ऑब्वियसली दे आर वेरी एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं. इनफैक्ट टीना को देख के ऑल ऑफ देम आर लाइक टीना दत्ता इज हियर. या आई नो, दे आर वेरी हैप्पी
because you know they probably have never met a celeb or interacted with them. So jab itne sare celebrities ek saath unke samne hote hain, to thoda nervous bhi ho jate hain, kuch bhi ho jate hain. So it's a mixed emotions for them because they are not used to all these things. You know, they are probably walking the ramp for the first time. Aise kabhi modeling unhone kiya nahi hai, shaadi ke baad ye pehli baar unko mauka mil raha hai. And the best part is unke husbands, matlab family itne supportive nahi rahe jitne shaadi ke baad unke husbands rahe hain. So salute to all those husbands out there jinhone unko itna support kiya hai aur itne supportive rahe. Tina, aaj aap audition round judge karne aayi hain, so kaun si cheeze aap dekh rahi hain contestant mein ki this is somewhere must? I think overall, you know, when you are judging, so overall आपको हर एक चीज़ पे, हर एक grounds पे आपको marking देना पड़ता है. So I'm seeing on all the aspects like communication, personality, attire, look, how they are walking the ramp, what talent they are showcasing. So it's a mixture of everything. मतलब सारी चीज़ें थोड़े-थोड़े करके mix करके आप talented होते हो and that's when you win the prize. Wow, well, great. Now we are in Delhi. So let's talk about something about Delhi. आप दिल्ली घूमी हैं? अब बहुत बार, आई थिंक मैं हर महीने में दो बार तो दिल्ली आती रहती हूँ इवेंट्स के लिए, काम के लिए. सो डेफिनेटली आप. कितनी पसंद है आपको दिल्ली? बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है ठंडी के टाइम पे, बिकॉज द वेदर इज़ अमेजिंग. बॉम्बे में इतनी ठंड नहीं होती, हालांकि इस साल थोड़ी ज़्यादा ही ठंड है बॉम्बे में. बट या आई लव द वेदर दिल्ली में, से सड़कों पर घूमते रहना रात को. मेरी बेस्ट फ्रेंड स्टेज इन दिल्ली, सो ऑब्वियसली इट्स रियली टू मच फन हो गया. ओके, वेल टीना, आई नो यू, यू आर समवेयर अ फूडी काइंड ऑफ पर्सन, यू लव टू ईट, लाइक चटोरी लड़की. सो दिल्ली की कौन सी चीज़ें खाने में जो आपको बहुत पसंद है? दिल्ली के जो पराठे गली है वहाँ पे मुझे पराठे बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई लव द कीमा पाव ओवर हियर. एंड बेस्ट अगर नॉनवेज फूड की बात की जाए तो यहाँ पे एक दुकान है अलकौसर, जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ से 15-20 मिनट्स दूर में है. वहाँ की जो बर्फी पराठा है ना, इट्स लाइक इट्स शुड डाई फॉर. मतलब ऐसा पराठा, इट्स लाइक माउथ वाटरिंग. मैंने कभी नहीं खाया. मैं दिल्ली आती हूँ ना तो मैं मनीषा को, हुज़ माय बेस्ट फ्रेंड, उसको बोलती हूँ कि यार पराठे पैक करके ले. आज मिले या नहीं मिले? अभी तक मिले नहीं. अभी आज मैं खुद ही जाऊँगी इसके बाद चेंज वेंज करके इन माई कैजुअल्स. काम करेंगे, वेल ट्राई के टीना के साथ हम एक्सप्लोर करें दिल्ली के खाने को, स्पेशली पराठे को. वेल टीना, बात करें अगर आपके लुक्स की, स्पेशली एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो स्टाइलिंग, सो बहुत सारे अलग अलग लुक्स और स्टाइल्स हमें ऑन इंस्टा पे ही एक्चुअली दिखते हैं. वेदर इट्स अ फेस्टिव लुक, इट्स अ बॉन्ग लुक, एनी फेस्टिवल. सो आई क्विकली डू द रैपिड फायर. आई टेल यू, यू नीड टू गेट मी नो कि क्या लुक किस ओकेजन पे परफेक्ट होगा. व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट लुक, कैजुअल्स, स्पोर्टी, जिम वेयर, मोर कंफर्टेबल. व्हेन इट कम्स टू पार्टी लुक, ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस और समटाइम्स हॉट शॉर्ट्स विद अ कैजुअलिटी. नाइट पार्टी, लाइक सेम. रोमांटिक डेट, oh, I would prefer a nice romantic dress or a gown or a pre-casual outfit. When it comes to the events like this? Depends what kind of event it is. Maybe Indian, Indo-Western or Western. वैसे शो के होस्ट आलोक नरूला ने सभी गृहिणियों का मनोबल बढ़ाया और सबको चीयर अप भी किया. So it was surprising, like, you know, the amount of contestants, जितने लोग, जितनी महिलाएं, जितनी लड़कियां, मैं in fact यहाँ पे participate करने आई हैं, खूबसूरती इतनी है एंड टैलेंट इतना भरा हुआ है इन सब में कि मैं देख के हैरान हो गया. सो इट वॉज लाइक पिछली तीन जगहों से दिस वॉज द बेस्ट ऑडिशंस वी हैड, आई वुड से. मैंने होस्ट किया, इतना मज़ा आया, ऑल ऑफ यू वर अमेजिंग. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. हिप 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 हिप. कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, कभी माँ कभी वाइफ. और आज हम आपको मिलवा रहे टीवी के मिसेस इंडिया से, वाइफी से. सो प्लीज वेलकम सिमरन क्रिप सुरी. यस, आपके फेवरेट क्रिप की वाइफ हमारे साथ है सिमरन. एंड सिमरन, सबसे पहले तो वेलकम टू सास बहू और बेटिया. एंड इट्स रियली ऑसम जो मिसेज इंडिया, ए आर मिसेज इंडिया 2019 हो रहा है. आप खुद एक मिसेज हैं एंड बींग यू नो मैरिड वुमेन, वैसे आजकल तो इट डजेंट मैटर exactly, but being a married person there are so many responsibilities, हर चीज़ double हो जाती है. और उसके साथ doing Mrs. India 2019 is something big. So what do you want to say? You're saying handling crip and handling Mrs. India crip. I think crip को handle करना is not easy. I know him. But he's such a darling, so no doubt in that. So obviously crip आपको handle कर लेता है अच्छे से, लेकिन आप किस तरह से पूरा manage कर रही हो और कितना खास है इस बार AR Mrs. India 2019? It's a first season. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप को थैंक यू जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हर सिटीज़ में भेज रहे हैं. हाँ, मैं उनसे दूर रहती हूँ कुछ टाइम के लिए. इनफैक्ट घर पे से काम करती हूँ तो वो मोस्टली मुझे डिस्टर्ब नहीं करते. ही इज़ द वन हु सपोर्टिंग मी फॉर डूइंग दिस एंड बिकॉज ऑफ हिम
यू नो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिसमें वुमेन की एम्पावरमेंट हो, बिकॉज हमारे देश में ऐसी कई वुमेन्स हैं जो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकती. और क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, आई यू नो मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, लेकिन मैं उन इनफैक्ट हस्बैंड्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी वाइफ को उनके सपने पूरे करने का मौका दीजिए. इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, जब वो खुश होती है ना तो आप सब खुश रहोगे. सो प्लीज़ डू दैट. एक्चुअली मैंने कहीं सुना है कि मैरिज इज़ नॉट ऑलवेज अ फुल स्टॉप, इट्स ऑलवेज अ कॉमा, राइट? तो आप शादी के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट इज अ फैक्ट. वी टू आर मैरिड पीपल हियर. सो वी वुड लव टू नो अबाउट कि इस बार जो मिसेज इंडिया आप कर रहे हैं 2019, सबसे खास बात क्या है ए आर मिसेज इंडिया की? बिकॉज बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू गो टू द ब्यूटी पेजेंट हमेशा ऐसा होता है कि ओ माय गॉड यू शुड बी मॉडल लाइक, बट इस बार की क्या क्राइटेरिया है? एआर मिसेस इंडिया जो है वो इट रिप्रेजेंट्स आशीष राय, उनका जो सोच कि हमें जेन्युइन वुमेन मिसेस चाहिए जो एक्चुअली घर में ना कि कोई प्रोफेशनल से मॉडल हो या कोई एक्टर या एक्ट्रेस हो, बट जेन्युइन जो हाउसवाइफ वो हमारे साथ तक पहुँच रहे हैं और उनको हमारे प्लेटफॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं. There are so many types of fees, hidden charges and all, right? ऑल ओवर इंडिया ऑडिशन राउंड में जुड़ गया है सास बहू और बेटिया, और दिल्ली में देखिए सास बहू बेटिया के फैंस ने कैसे नारी शक्ति का नारा लगाया. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. वाओ दैट वाज अमेजिंग. Thank you so much, all you beautiful women. Thank you. सच में बहुत मजा आया. And thank you, सास बहू और बेटियाँ. तो तैयार रहिए जल्द ही AR Mrs. India के एक और ऑडिशन में, जो जाएगा गुलाबी नगरी जयपुर. और AR Mrs. India में कैसा होगा जयपुर का रंग, ये आपको जल्दी दिखाएंगे सास बहू और बेटियाँ में. AR Mrs. India 2019 is our founder Mr. आशीष राय, उन्होंने शुरू किया है शादीशुदा महिलाओं के लिए जो कि घर गृहस्थी के अलावा अपना टैलेंट किसी कारणवश नहीं दिखा पाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने का एज वेल एज लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने का, मल्टीटास्किंग करने का. इसके साथ हमारा एनजीओ पार्टनर जुड़ा हुआ है पहला कदम, और हमारे एडिटोरियल पार्टनर आज तक और बेटियां. सो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, राइट? दिल्ली से छुट्टी पर जाते के साथ आज तक पिरो.